मैं आज मार्केट का आपको थोड़ा सा शूट करके बताऊंगी वीडियो। और ये रहा हमारा गार्डन। बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी भी है पर हवा भी चल रही है। देखो मेरी शेडो कैसे दिख रही है, किस तरह से मैंने ना फोन पकड़ा है। या दिस इज पार्किंग एरिया, कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। एंड ये हमारी वाली, तो ये हमारी सोसाइटी के बाहर की लोकेशन। ये हम लोग सामने जा रहे हैं मार्केट की तरफ। ये हमारे यहाँ का फेमस हॉस्पिटल है, शिवम, शिवम हॉस्पिटल फेमस। शिवम हॉस्पिटल फेमस है, हमारी सोसाइटी में बहुत फेमस है ये हॉस्पिटल। और आज सैटरडे है, सैटरडे के दिन भी इतनी ट्रैफिक, पौने एक हो रहा है पर ट्रैफिक कम होने का नाम नहीं लेती गुड़गांव में। ये रोड की हुडा सिटी सेंटर है। क्या हो रहा है? और ये मार्केट को रास्ता गया हमारी सोसाइटी से बिल्कुल सामने, और इसे कहते हैं 31st की मार्केट। हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर अवे। बहुत फेमस मार्केट है ये गुड़गांव की। तो ये है एंट्री 31st मार्केट की, 31 सेक्टर मार्केट। यहाँ पार्किंग एरिया है पूरा, ये है पार्किंग एरिया। और हमेशा सैटरडे को पार्किंग फुली मिलती है, सैटरडे वीकेंड कभी भी आ जाओ, वीकडेज में आपको पार्किंग फुल मिलेगी। बट अभी हम लोग जल्दी आ गए हैं तो हमें पार्किंग मिल गई। तो ये सारा यहाँ ATM, फूड कोर्ट सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। क्या है ATM? सारे कंपनी के, सॉरी बैंक के ATM सब कुछ मिलेगा। तो ये 31 का कैपिटल है, जो 31 में बहुत फेमस है फॉर नॉन वेज, ये शॉप्स हैं। और लेकिन अपना मास्क खुल गए तो वो लेने गए गाड़ी में, मैंने सोचा मैं शूट कर लेती हूँ। तो पीछे वाला एरिया मैंने आपको दिखाया वो पार्किंग है। यहाँ पे मेन जो है वो शॉप्स है 31 की। यहाँ पे आपको सैलून भी मिल जाएंगे, गिफ्ट सेंटर भी मिल जाएंगे, और खाने पीने की चीज़ें भी यहीं भी मिल जाएंगी। आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत सुहावना है। और यहाँ पे देखो तो पार्किंग कितनी है, कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी रहती हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस ये कुलचे वाला, जहाँ मैंने जूम किया ये कुलचे वाला है, ये बहुत फेमस है अमृतसरी कुलचे वाला। ये गीतांजलि स्टोर यानी सलमान, ये रिलायंस फ्रेश। और हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट पैकेज ऑन कर रहे हैं है। तो ये है फर्स्ट पैकेज Thank you.
चलेगी आवाज वगैरह भी इजी अगर हमारे पास होगा तो बता देना। तो अभी हम 31st की मार्केट से आ गए हैं। ये 31st की मार्केट मैंने आपको दिखाई, हमें यहाँ पे कुछ काम था। हम लोग फर्स्ट ट्राई गए थे, मैंने फर्स्ट ट्राई बताया था आपको, तो वहाँ पे हमें जो चीज़ चाहिए थी वो मिली नहीं। तो अब हम जा रहे हैं 14 की मार्केट, वो भी हमारे घर से 10 मिनट की दूरी पे ही है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, तो मैं आपको 14 की मार्केट दिखाती हूँ। वो भी गुड़गांव में काफ़ी फेमस मार्केट है 14 की। तो चलो चलते हैं, पूरी वीडियो को एंड तक देखें, और जो मेरे चैनल में बिल्कुल नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये सामने सोसाइटी है हमारी, और यहाँ से हमने टर्न किया और अब हम जा रहे हैं 14 की मार्केट। तो आपको मैं दिखाती हूँ 14 के मार्केट के साइड चलते चलते कितने ऑफिस आएंगे, और गूगल की बिल्डिंग है बहुत बड़ी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ब्लू कलर का जो आपको मिरर वाला दिख रहा है, ये गूगल की बिल्डिंग है, और वहाँ पे लिखा भी गूगल। नहीं अभी नहीं दिखेगा, सॉरी मिरर नहीं ग्लास। और ये देखो ये गूगल की बिल्डिंग है, ये ग्लास से भरी हुई, और ये पीछे यूनिटेक, ये गूगल, और ये फ्लाईओवर, ये जाता है जयपुर को। और ये है 32 माइलस्टोन, यहाँ पे खाने पीने की सब चीज़ें। और ये है एमजी का शोरूम है, ये 32 माइलस्टोन के अंदर की एंट्री। तो ये है 14 सेक्टर, और ये 14 सेक्टर की पहली लाइट। और पहले मैं यहाँ आती थी अपने ऑफिस, यहाँ मेरा ऑफिस था, वो सामने मेरा ऑफिस था। तो जब हम ऑफिस आते थे, हम सर्दियों में हम यहाँ तक घूमने आते थे, और अभी मेरा ऑफिस आ रहा है। तो ये रहा मेरा पुराना ऑफिस, ये अराइव बिल्डिंग का नाम, ये मेरा पुराना ऑफिस था। ऑफिस ख़त्म होने आया, पर इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ह्यूमिडिटी भी बहुत है। मैं आपको दिखाती हूँ 14 सेक्टर, बहुत बुरा हाल। तो ये 14 सेक्टर की मार्केट शुरू हुई है, और देखो यहाँ पे जगह ही नहीं मिलती है गाड़ी पार्क करने के लिए। फाइनली हमें थोड़ी सी जगह मिली, पर वो इतनी धूप में है गाड़ी कि ये नाजिम के बहुत फेमस है ना। तो ये है सेक्टर 14 की मार्केट, और इसकी एंट्री करते ही सामने है ओम रेस्टोरेंट। ओम रेस्टोरेंट गुड़गांव का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, प्लस बहुत ही यूनिक है, प्लस उसके साथ ही सैमसंग का शोरूम भी है। और आपको यहाँ मिलेगा चायोस, कनीवा, गीतांजलि स्टूडियो भी है, ये सैलून है। और यहाँ शाम को बहुत अच्छी मार्केट लगती है, दिन में तो नहीं है यहाँ पे अभी कुछ मार्केट। और हम लोग ढूंढ रहे हैं फर्स्ट ट्राई, फर्स्ट ट्राई आपको मिलेगा। जी मैं लगाता हूँ। देखिए 14 की मार्केट शाम को बहुत अच्छी मार्केट लगती है।
ये बुक स्टॉल लगाया है। तो फाइनली हमें फर्स्ट फ्राई मिल गया, तो अब हम लोग जाने लगे हैं फर्स्ट फ्राई के लिए। और ये है सेक्टर 14 का फर्स्ट फ्राई। मैं ये बेबी के ये अलमीरा के लिए ये बोल रही थी मैं आपको। खुश हो जाते हैं। नहीं पैकिंग तो करेंगे ना, ये पीछे वाला देख लो ना आप, वो देखो जूस पीने के बाद अभी हम लोग आए हैं ओम स्वीट्स। ओम स्वीट्स जो मैंने आपको दिखाया था सेक्टर 14 के बिल्कुल ऑपोजिट में था एंट्री के। और यहाँ के देखो कितनी अच्छी सजावट हो रखी है, ये गणेश चतुर्थी की तैयारियाँ हो रही हैं। यहाँ पे इन्होंने मोदक बनाए हैं, मथुरा मोदक है, खोया मोदक है, प्लस यहाँ पे एक प्लेट है जिसमें गणेश जी हैं और डिफरेंट डिफरेंट मोदक यहाँ रखे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी तैयारी हो रखी है। और अभी रिकन ऑर्डर कर रहे हैं, हम लोगों ने ऑर्डर किया है इडली की एक प्लेट। अभी हम जस्ट पहुँचे हैं घर। मैंने गाड़ी से वीडियो नहीं बनाया क्योंकि एक तो हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था, ऊपर से गाड़ी हमने धूप में पार्क की थी जिससे इतनी गर्म हो चुकी थी गाड़ी कि बस जब मैं घर जाके आराम से ही वीडियो बनाऊंगी। और हम लोग गए थे पहले 31, हम लोगों को जाना था फर्स्ट फ्राई, पर 31 के फर्स्ट फ्राई के उस शोरूम में हमें सामान नहीं मिला। फिर हम लोग गए 14 सेक्टर की मार्केट में, वहाँ पे फर्स्ट फ्राई का शोरूम था, तो हम लोग वहाँ गए और वहाँ पे हमें सामान मिला। और हम लोग क्यों गए थे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको पता चलेगा कि हम लोग क्यों गए थे। और मैं एक चीज़ कहूँ कि मेरा 14 सेक्टर के फर्स्ट ट्राई के शोरूम का बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा, बहुत वर्स्ट। पहली चीज़ जब हम लोग गए, हम कुछ सामान किसी को गिफ्ट देना है तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा गिफ्ट दें कि सामने वाले को बहुत पसंद आए, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। तो वहाँ पर जो भी चीज़ें रखी थी वो सारी डिफेक्टेड थी। और मैंने क्या लिया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जितना भी हमने वहाँ पे सामान देखा वो सारा डिफेक्टेड था, और वो हमें ये चीज़ नहीं बता रहे थे कि वो डिफेक्ट है। वो हमें बोल रहे थे ये बहुत अच्छा आप ले लो, ये तो हम लोगों ने देख लिया, तो हमने उसमें पूछा उस पर कि ये चीज़ पे इसका हैंडल मिलेगा ऐसा, ये तो बोला नहीं वो तो नहीं है, तो फिर आप क्यों सामान दे रहे हो अगर आपको पता वो डिफेक्टेड है। प्लस हमें कोई चीज़ पसंद आई, हमने उसको परचेज़ किया, उसके बाद हमने उसको बिलिंग करवाया और हमने उनको मेंशन किया कि हमने किसी को ये गिफ्ट देना है और इसको रैप करके देना। तो उन्होंने ये चीज़ पहले नहीं बताई हमें कि हमारे पास रैपर नहीं है। गिफ्ट उन्होंने हमारा हमने उसकी बिलिंग कर दी, उसके बाद हमने उसको बोला कि पैक कर दो, तो उन्होंने कहा कि अरे रैपर नहीं है हमारे पास और हम नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको पहले क्लियर करनी चाहिए थी ना कि आपके पास रैपर नहीं है या आपके पास आउट ऑफ स्टॉक है रैपर्स का, गिफ्ट रैपर का। फिर हमने उनको बोला कि चलो ठीक है आप कहीं से ला कर सकते हो पैकिंग, तो बोला नहीं हमें बाहर से चीज़ें अलाउ नहीं है कि बाहर कुछ रैपर लाएँ और हम लोग यहाँ पे रैप कर दें। तो हमने कहा कि हम लेकर आ जाते तब तो रैप कर सकते, कहते नहीं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अजीब लगी वहाँ पे कि आप अपने कस्टमर्स को आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हो। ऊपर से जो उनका स्टाफ था वो भी मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी तरह से उनको कोई इंटरेस्ट है कि कोई चीज़ हम लोग अच्छे से दिखाएं। या होता है हम किसी शोरूम में जाते हैं तो लोगों की चीज़ें बताने से ही हम लोग बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि हाँ किसी ने हमें इतने अच्छे से बताया है,
तो मुझे वहाँ से भी 14 सेक्टर के शोरूम से भी ऐसा नहीं लगा, जबकि 31 का शोरूम बहुत अच्छा है जहाँ हम फर्स्ट टाइम गए थे। वो सब लोग बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं, चीज़ें बहुत अच्छे से बताते हैं। कुछ ख़राब हो तो वो पहले कहते थे कि एक ही पीस है और ये इसमें ये डिफेक्ट है। तो वहाँ 14 में तो मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ज़्यादा। मैं शायद कभी ना जाऊँ फर्स्ट ट्राई 14 के शोरूम में। और मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी वो भी इसलिए क्योंकि 31 के उसमें वो जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली थी। खैर, तो आज का ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, शायद वो ब्लॉग अच्छा हो। और जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि जो भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। ओके, बाय बाय। आई होप यू आप लोग भी ये वीकेंड बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। एंड टेक केयर, बाय बाय।